हाईलाइट्स आपका ऑटो वाले अंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अशोक गुप्ता। दोस्तों लक्ष्मण उत्कर के डायरेक्शन में एक अच्छी मूवी और एक पारिवारिक मूवी आज जो है रिलीज हुई। लक्ष्मण उत्कर और प्रोड्यूसर हैं दिनेश विजन, जो कि आप लोग ने देखा होगा। जब आपके पास स्क्रिप्ट आईडी सौ, तो आपने मतलब किस सौ इसको पसंद किया? जब आइडिया आया था तो जो मुझे अच्छी बात लगी थी वो ये थी कि ये फिल्म हर एक इंडियन की है, मतलब हर एक इंसान को कनेक्ट होगी ऐसी फिल्म है। तो हर एक इंसान का सपना होता है कि अपना खुद का घर हो, और उस घर के लिए वो क्या क्या करता है। बस हमने ह्यूमरसली दिखाया, बट सीरियसली लाइफ में घर लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एंड इस फिल्म में फन है, ह्यूमर है, इमोशंस है, सब कुछ है। एंड जैसे मिमी या लुका छुपी ने लोगों को एंटरटेन किया था, हंसाया था, रुलाया था, उससे कहीं ज्यादा जरा हटके जरा बच के हंसाएगी और एंटरटेन करेगी। सारा अली खान और विकी कौशल को लेने का स्पेशली कुछ लाइक सारा अली खान और विकी कौशल स्क्रिप्ट लेवल से मेरे दिमाग में थे, क्योंकि इस फिल्म के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो खुद मिडिल क्लास लगे, या फिर उसको उस मिडिल क्लास लाइफ की वैल्यूज पता हो। और विकी कौशल खुद बिलोंग करते मिडिल क्लास फैमिली से, तो उनको लोअर मिडिल क्लास फैमिली के और छोटे टाउन की वैल्यूज पता है। सारा का ये था कि वो जैसे आपने देखा होगा फिल्म में कि वो जैसे जिद्दी पंजाबी गर्ल, वो पर्सनालिटी वैसी, तो रीजन था के बारे में सोच रहा। एंड फिल्म में आपने देखा था परफेक्ट कॉमेडी, काफी बेंचमार्क रोल है, मतलब देखा आपको कहां उधर हमारे वाजपेयी। जो राइटिंग किया ये हमारे वाजपेयी साहब और इनके पार्टनर है रमीज खान साहब, वो यहाँ पे है नहीं, वो दिल्ली के शो में है, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने फिल्म लिखी है, और बहुत ही अच्छे डायलॉग्स, बहुत ही अच्छे इमोशनली उन्होंने बहुत ही अच्छे उसको क्राफ्टिंग की है। तो आई से थैंक यू सो मच। डायलॉग्स और पंचिंग भी मैंने देखा, ऑडियंस को लाफ करते हुए, जो बुआ का रोल, ये सब काफी रोल में देखा, ऑडियंस एंटरटेन हो रही है। इन्होंने जब इतने अच्छे रोल इन्होंने भी अच्छी तरीके से किया। ये डायलॉग्स में आपने क्या कुछ होमवर्क किए थे सर आपने? हाँ, हम लोग एक बार हम लोगों ने अपना डायलॉग ड्राफ्ट रेडी किया, उसके बाद हम लोग गए थे इंदौर, सर हमको इंदौर लेके गए थे एक हफ्ते के। हम लोग वहाँ लोगों से मिले, बातचीत करी, फिर वहाँ कुछ लोगों के साथ बैठ के हमने वहाँ का लोकल लिंगो वगैरह सब उसमें डाला, तो इंदौर का एक डायलेक्ट पकड़ने के लिए। बाकी तो जैसी कहानी है उस कहानी के हिसाब से जो डायलॉग होने चाहिए, जो कहानी की बात भी क्लियर करे और टू द पॉइंट भी रहे, तो जैसा सर का ब्रीफ को फॉलो करते हुए एक वर्जन हमने तैयार किया था। और ये थे हमारे बाउंसिंग बोर्ड भी थे और हेल्पर भी थे, को राइटर भी हैं, जिसमें ये गाइड करते रहे कि भाई ये वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा। मूवी का कंक्लूजन है नाउडेज द यंगस्टर्स उनको खुद का घर चाहते हैं, खुद के घर फैमिली से दूर रहना चाहते हैं। इसमें एक नॉवेल भी दिखाया है कि ये घर मकान से नहीं बनता, फैमिली से बनता है। ये भी एक यंगस्टर्स के लिए एक लाइक रोल मॉडल है, ये पिक्चर उनको देखना चाहिए, यंगस्टर्स स्पेशली। सबको देखना चाहिए, यंगस्टर्स को क्यों? ये फिल्म पूरी पारिवारिक फिल्म है, मतलब सह परिवार आओ और इस फिल्म का मजा। नाउडेज व्हाट द यंगस्टर्स देख आफ्टर मैरिज फैमिली से अलग हो जाते हैं, इसमें दिखाया फैमिली से अलग होने की जगह पे फैमिली के पास जाना जरूरी है। इसमें जो मैसेज है वो ये है जो सर ने लिखा है कि घर वो होता है जब घर के लोगों से बनता है, और ईट सीमेंट से तो मकान बनता है, तो ऑब्वियसली जब हमारा जो हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए घर देख रहे हैं, वही साथ में नहीं रहेगा, तो आप घर लेके सर पे नाचोगे? तो आई थिंक ये जो आइडिया है, ये जो लाइन है, ये सबको कनेक्ट होती है, मतलब कपल को, कपल से लेके माँ बाप से लेके बच्चों से लेके सबको कनेक्ट होती है। थैंक यू सर, आई होप यू गाइस वेरी लाइक एंड हमारी मूवी है, और जो कि लक्ष्मण उत्कर सर ने जो कि एक अच्छी कंटेंट दी है, और एक अलग तरीके का कंटेंट दी है, मतलब वही घिसा पीटा नहीं कि वो स्टोरी है लड़का भाग गया लड़की भाग गया, ऐसा नहीं, एक अलग
मतलब हर एक घर में कहीं ना कहीं मतलब हर एक घर से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आप लोग को ये पब्लिक का ओपिनियन कैसा लगा, बस मैं यही चाहूँगा ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय।